हुए थे। हाँ नयन, कहाँ थे तुम और इन कपड़ों में ऐसी हालत में तुमने नशा? नो, डोंट थिंक फॉर मी, यू जस्ट गो अहेड, काटो केक काटो। चलो केक काटो। आइए। अरे चलो। मुझे भी खिलाओ यार। अरे पता है तुम जितनी स्वीट हो केक भी उतना स्वादिष्ट है। हैप्पी बर्थडे बिवारी, हैप्पी बर्थडे। नयन। ओ सॉरी, हैप्पी बर्थडे दिव्या। नयन तुम ये क्या कह रहे हो, क्या कर रही हो? चुप। मेरी मर्जी, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। और हां दिव्या दीदी, ये आपके लिए बहुत कीमती तोहफा है। लो लो लो। अरे लो ना, खोलो, दिखाओ, सबको दिखाओ। इतनी कीमती सोने की अंगूठी ये मुझे क्यों दी? इतनी कीमती चीज मुझे तो नहीं पता था उसके अंदर क्या था। ये तो सिर्फ डीएन। क्या तुम्हें ये डीएन ने दी है और तुम मुझे दे रहे हो? ये तो मेरा कर्तव्य था दीदी, मैं जिसका नमक खाता हूँ उसका काम क्यों नहीं करूंगा? देख आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत पैसा वाला बन गया हूँ। देख तू क्या कर रहे हो, क्या है ये? चुप। तुमने भी तो वो मास्टर गैरी से पैसा लिया था, क्यों बिवारी? नयन ये तुम किस सेंस में बोल रहे हो और तुमने ऐसा क्यों कहा? कहूंगा, मुझे कहने का हक है। तुम लोगों के साथ रह के मेरा कुछ नहीं होने वाला और मैंने आज से ये डिसाइड कर लिया है। आज से मैं अपने रास्ते और तुम लोग अपने रास्ते। ओके। नयन एक दिन तुम्हें पछताना होगा, आज मेरा इतना अच्छा दिन तुमने बर्बाद कर दिया। कम बैक टू आवर टीम नयन, थिंक अगेन इन अ कूल माइंड। ये लो। सॉरी दिव्या दीदी, मैं आप लोगों के संगत में नहीं पढ़ने वाला, मुझे एक अमीर आदमी बनना है, वो भी हाई सोसाइटी का, और मैं बन के दिखाऊंगा। गुड बाय, गुड नाइट। इसका बदला मैं डीएन से जरूर लूंगी। हाँ दीदी, हम इसका बदला जरूर लेंगे। राहुल तुम आज नयन को मिलने गए थे क्या? हाँ गया था, लेकिन उसके भैया ने कहा कि सुबह सुबह किसी के गाड़ी में बैठकर कहीं चला गया। लेकिन किसकी गाड़ी में गया वो? जरूर उस बदमाश डीएन ठेकेदार की गाड़ी में। हाँ, परसों ट्रक शोर के आने के टाइम डीएन ठेकेदार को मिला था, उन्होंने उनका ट्रक चलाने के लिए बोला था और चाबी भी दी थी। और दिव्या वो तुम्हें कुछ समझाने के लिए बोल रहा था, लेकिन क्या बात समझाने के लिए बोल रहा था मुझे ही समझ में नहीं आया। हमारा अंदाजा सही निकला, वो हमारे बीच विष डाल देगा। उस विष को हमें ही काटना पड़ेगा, कहते हैं ना लोहे को लोहा ही काटता है। हाँ हम सबको अभी से संभल कर रहना होगा, कल जो नयन ने किया हम तो सोच भी नहीं सकते थे ना। हाँ अभी किसी भी तरह हमें उसे वापस लाना होगा, वरना वो गांव के लोगों के बीच अशांति फैला देगा। हाँ हाँ, मेरा माँ को दवाई खिलाने का समय हो गया है,
मैं भी चलता हूँ। चाची जी अभी ठीक है ना? ऑपरेशन तो सही तरीके से हो गई? हाँ ठीक है, अच्छे से हुआ है, डॉक्टर अच्छा था। आप लोग परसों ही आई हो ना? हाँ चलो ठीक है चलो। नयन कल कैसा रहा? दादा दिव्या दीदी ने आपका दिया हुआ उपहार वापस कर दिया, उन्होंने बहुत गुस्सा दिखाया। घमंड? इतने घमंड? उसकी इतनी घमंड, एक दिन यही घमंड उसे ले डूबेगी। दादा आप उसका चिंता मत कीजिए, मेरे पास उसका व्यवस्था है। कैसे? सुना है दिव्या दीदी की बहन नीजरा ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ रही और यहाँ पे एक SBI शाखा ज्वाइन करी। यस उसके जरिए ही कुछ करना होगा। कब आएगी कैसे आएगी तुम उसका खबर लेते रहना। परसों जो मैंने तुमको दिया था वो है या खत्म हो गया? खत्म बस। ये लो। दादा प्लान? कुछ चीज कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो पब्लिकली डिस्कस नहीं करते क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं ना, समझ गए? हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में, पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल, चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में, मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ेगी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है? इसे बहुत लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नयन? हाँ। कहाँ से? आजकल गांव में दिखाई नहीं देते हो, नया मोटरसाइकिल। तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। नहीं नयन, तुम एकदम बदल गए हो। क्यों बदल गया? दीवारी मुझे अपना रास्ता मिल गया है, उसमें बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी बेकार रह के क्या कर। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? सच में नयन बदल गया है, क्यों अचानक ऐसा परिवर्तन? इससे संभल कर रहना पड़ेगा। राहुल, हमारे देश में दिन ब दिन बेरोजगारी की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसका मूल कारण है लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे हैं। लैक ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, मल्टीपल एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। हाँ, हमारे यहाँ मल्टीपल एग्रीकल्चरल क्रॉप्स नहीं की जाती है। यहाँ एक खेती करने के बाद दूसरी खेती करने के लिए सुविधा नहीं है। यानी कि साइंटिफिक तरीके से खेती करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग खेती करने के लिए मानसून पर ही निर्भर करते हैं। वो तो है। तुम लोग एक काम करना, एग्रीकल्चर ऑफिसर और BDO ने जो लोन के बारे में तुम लोग को बताया है तुम लोग वो करके लोन अप्लाई कर देना। कल मेरी बहन निजोरा आ रही है, बैंक के कामों में वो तुम्हें मदद कर देगी। अच्छा, निजोरा कल कितने बजे आ जाएगी? वो नाइट सुपर से आ रही है, सुबह 7-8 बजे तक पहुँच जाएगी। कुछ ही देर पहले उसने मुझे फोन किया था। नयन 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 सच में बदल गया है।
हमें उसे सावधान रहना होगा। हाँ, हमें उस पर नजर रखनी होगी। उसके हर एक कदम पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। मेरा मन कह रहा है वो जल्द ही कुछ बड़ा हादसा करने वाला है। चलो चलो। अरे निचरा, तुम्हें लेने कोई नहीं है? आओ, मेरे दोस्त का टैक्सी है, तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो। नयन? हाँ? गाड़ी इधर क्यों जा रही है? अरे पेट्रोल पंप में तेल डाल के जाना है। ठीक है, पर जल्दी करना। हाँ अरे चिंता मत करो, थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे। अच्छा तुम्हारा मोबाइल थोड़ा देना, मेरा बैलेंस नहीं है फोन पे। हाँ हेलो। अच्छा अच्छा इतना टाइम हो गया, उसने तो आते समय ही मुझे फोन किया था, अब तक नहीं आई। नैन, पेट्रोल पंप तो छोड़ दिया, हम कहाँ जा रहे हैं? हो ऐसा क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा घूम के आते हैं। तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ, जाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं नहीं नैन, अभी नहीं, फिर कभी चलेंगे। अचानक ये मौसम में बदलाव, जरूर कोई अनहोनी होगी। उसका मोबाइल भी बंद है, मैंने कितनी बार कोशिश की है, फोन लग ही नहीं रहा है। लेकिन हम इधर कहाँ जा रहे हैं? निचरा, हमारे गांव में जाने वाला रास्ता बहुत खराब है, तो हम इसी रास्ते से होकर के पुदुमनी गांव होकर के निकलेंगे। लेकिन तुमने तो पहले नहीं कहा। कैसे बोलता, हमारे गांव का रास्ता खराब है सुनने से तुम्हें खराब लगता ना, इसलिए नहीं बताया। नैन, मुझे डर लग रहा है, इस तरफ इतनी दूर से। निचरा, कोई उपाय भी नहीं है, दूर से ही सही, हमें इसी रास्ते से ही जाना पड़ेगा, और जाते जाते हमें एक आदमी से मिलके जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? फोन का तुम क्या करोगे? ये सब क्या है नैन, दो मोबाइल दो मुझे। अरे छोड़ो ना। ड्राइवर गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर, ड्राइवर गाड़ी स्पीड से चलाओ। गाड़ी रोको। ये बादल का गरजना किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं है? जाओ तो अंदर देखो। हाँ। उतर, उतर जल्दी। चल, चल लड़की। छोड़ो। दादा, आपने जैसा बोला वैसा ही किया। छोड़ो। हाथ चलो। गांव की लड़कियों का सब बदतमीजी करता है। बदतमीज। चलो तुम मेरे गाड़ी में बैठ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लगेज गाड़ी में रखो। निजोरा, क्या हुआ बेटा? अरे रो क्यों रही हो? निजा, निजरा, निजा, क्या हुआ निजरा? दीदी, नयन मुझे उसकी एक दोस्त की गाड़ी में ले आया, हमारे यहाँ का रास्ता खराब बताकर मुझे पदुमनी गांव होकर जाना पड़ेगा बोलकर मेरे साथ बदमाशी करने लगा और मुझे कहीं और ही ले गया। क्या? फिर डीएन ठेकेदार चाचा जी ने मुझे बचाकर यहाँ ले आया। मतलब नयन ने तुम्हें? हाँ दीदी। ये सिर्फ नयन की चाल नहीं, इसमें डीएन भी शामिल है। डीएन मतलब? दीदी आप? लेकिन उन्होंने तो मुझे बचाया,
He rescued me. तुम कुछ भी नहीं समझोगी। चलो, अभी फ्रेश हो लो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नमस्कार। नमस्कार, पधारिए। आज सारे लोग मेरे घर इकट्ठे। चलिए अंदर बैठते हैं। हम बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम सवाल और विचार के लिए आए हैं। सवाल और विचार, यानी कि दो? हाँ, तुम ऑफ स्क्रीन क्या हरकतें कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है? हमें नहीं मालूम। ये ऑफ स्क्रीन क्या है, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं है, ये अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। चुप। No comments। तुम मुझसे सवाल करते हो इस टीएन चौधरी से? हाँ? दयानंद नाम है मेरा। मन में कोई दया नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद, समझे? देखिए ठेकेदार जी, आप अगर गांव के लड़के को लेकर इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो कानून आपको छोड़ेगा नहीं, और हाँ, गांव वाले भी ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ। हेलो इंजीनियर साहब, नमस्कार। मेरे बिल पास करने के लिए फिर से थैंक्स। और वो जो ब्रिज का फाइनल बिल था ना, 5 करोड़ का, वो भी जल्दी पास करवा दीजिए। चिंता मत कीजिए, लेन देन के काम तो चलते रहेंगे। अच्छा इंजीनियर साहब, मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं, जरा बातें करनी है, रखता हूँ। हाँ, तुम्हें क्या कह रहा था? ओ कानून, लो कानून की मदद लो, मैं इसमें कभी रुकावट नहीं डालूंगा। इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मेरा क्या कसूर? ये आप बोल रहे हो कि मेरा क्या कसूर? बेचारे भोले भाले नयन को फंसाया, आज जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है। कल भी जो हुआ था आपकी ही प्लानिंग थी। We are not fools, Mr. Dean। हमें सब समझ में आता है। No, wrong thinking। मैंने तुम्हारे बहन को नयन के हाथों से बचाया। हाँ? तुम्हें तो मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। अच्छा, मैं एक रिटायर्ड आर्मी हूँ, हर एक की हरकतें अच्छी तरह से समझता हूँ। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव की शांति के लिए हम तो कुछ भी कदम उठा सकते हैं। ओहो, आप तो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर है ना? सैल्यूट। अच्छा चेरिका जी, आपके सर्विस लाइफ में आपको कभी अच्छे कामों के लिए मेडल मिला था क्या, जैसे अशोक चक्र, वीर चक्र या परमवीर चक्र इत्यादि इत्यादि? अगर नहीं मिला तो देश के लिए क्या किया? नथिंग। देश के लिए कुछ अच्छा नहीं करने वाले व्यक्ति गांव के भलाई और शांति के बारे में कैसे सोच सकते हैं? इतना अपमान, इसका बदला मैं जरूर लूंगी डीएन। जरूर लेना दिव्या, जरूर लेना, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, समझी? बातें क्या करते हैं ये सब। नहीं नहीं, रुको, चलो अभी चलो चलो। नयन। हाँ, सुना है दिव्या की कल बर्थडे है? हाँ दादा। छोटी सी एक कीमती तोहफा लाए थे, दे देना उसे।
अपना समझ से ही काम होना चाहिए। ठीक है। और सुनो। हाँ दादा। ये चंद रुपए तुम्हारे अयाशी के लिए है, रखो। नयन। हाँ दादा। बाइक कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पसंद आया? बिल्कुल पसंद आया दादा। आज से ये बाइक तुम्हारा है। ये लो चाबी। और सुनो, पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना। ओके दादा। ठीक है, चलो शाबाश। थैंक यू दादा। चला के देखो। आपने जैसा बोला वैसा ही किया। छोड़ो हाँ। ओए, हाथ छोड़ो। डीएन ठेकेदार ने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, निजरा को बहला के फुसला के किडनैप करने के लिए मुझे बोला। मैंने किडनैप भी कर लिया, उसके बाद खुद निजरा को ले जाता है, उल्टा मुझे फंसा देता है। उससे बेहतर मैं कहीं दूर भाग जाता हूँ, और यहाँ पे किसी ने अगर देख लिया तो बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा हो जाएगा। उससे पहले मैं ये नदी पार करके मैं बहुत दूर चला जाता हूँ। ए नाव वाले, इधर आओ, घुमाओ। मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, किसी ने अगर मेरे बारे में पूछा तो ये बोलना कि मुझे नहीं देखा है, ठीक है? हेलो राहुल, कल तुम्हें कुछ काम है क्या? नहीं चाचा जी, क्या कुछ? तुम्हें काम करना, कल निजरा को तुम बैंक में छोड़कर आना। हाँ ठीक है चाचा जी, पर कितने बजे? 9 बजे तक। ठीक है चाचा जी। ओके, थैंक यू राहुल। पापा हम चलते हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। राहुल जी, इसे ऑफिस तक पहुंचा देना, आज इसका पहला दिन है। जी चाचा जी, मैं निजरा को ऑफिस तक। नहीं, मेरा मतलब यह है कि उस दिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो दोबारा ना हो। मैं नहीं चाहता हूं कि इसके साथ दोबारा ऐसी कोई अनहोनी हो। उस गैर गुजरे ठेकेदार का कोई भरोसा नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। ठीक है। बाय पापा। बाय। बाय दीदी। नैन, नैन, नैन। उसने सुना नहीं क्या? सुना ही नहीं देगा, ये कैसे हो सकता है? हाँ। लेकिन वो जा कहाँ रहा है? इसका मतलब वो गैर गुजरा ठेकेदार ने कोई नया योजना बनाकर तो भेज नहीं दिया। राहुल भैया चलो, मुझे लेट हो रही है। चलो। हाँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाय बाय। राहुल कितनी मधुर मधुर चिड़ियों की आवाज आ रही है। वो देखो आकाश में कितने सारी चिड़ियों का झुंड। बैसाख में बोलने वाली कोयल की आवाज आज भी मुझे धीरे धीरे सुनाई दे रही है। क्या करें, तुम तो जानती ही हो हमारा। पता है, शिक्षित पर बेकार।